अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से आ जाऊँ आप लोगों की खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिर से मैं एक नया अबाया हॉल लेके आई हूँ। तो आज है ये सारे अबाया अंडर 500 के हैं, मतलब 500 के नीचे के हैं ये सारे। तो एक के बाद एक मैं खोल के भी दिखाऊंगी और पहन के भी दिखाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए मेरी वीडियो को और बेल आइकन भी जो ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो है उसी की नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों के पास पहुंचती है। आपसे मेरी कोई सी वीडियो मिस ना हो पाए। और कमेंट करके भी बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कौन सा आवाज़ आपको पसंद आया है, कौन सा नहीं है। किसी के बारे में कोई जानकारी हो तो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट में भी, और इंस्टाग्राम पर भी मेरा पेज है, मेरे चैनल पर है इंस्टाग्राम का लिंक, और इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगी इंस्टाग्राम की भी। सारे अवायों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं आराम से। तो ये है एक अवाया है ये जो मैंने मंगवाया था। इसके सिर्फ ये स्लीव्स पे ही ये डिज़ाइन है, स्टोन की तरह है ये डिज़ाइन जो चिपकाते हैं वही है चिपका हुआ सिर्फ स्लीव्स पे ही है, बाकी पूरा अवाया प्लेन है। और इसका प्राइस है 497 का है ये। और ये है वही फिर दोस्त मटेरियल में है और सही है ओवरऑल, मतलब लो क्वालिटी का नहीं, अच्छा है जिस तरह का पाया होता है उसी तरह का है, अच्छा है मतलब प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। इसके साथ दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा नहीं इसके साथ, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी हिजाब या दुपट्टा ले सकते हैं। वैसे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। इसमें एक और भी कलर है मरून कलर, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग को जो भी पसंद हो मंगवा सकते हैं। यहाँ से नीचे से इसका जो घेरा है वो भी सही है, तो अच्छा खासा घेरा दे रखा है, बहुत कम नहीं है, मतलब पतला सा जो होता है वो नहीं, अच्छा खासा घेरा है। इसका स्लीव्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है सिंपल में, और अंडर 500 में तो बहुत ही अच्छा है। मतलब आप लोग यहाँ शॉप से अगर ख़रीदेंगे तो इतने कम प्राइस में मिलने की चांस ही नहीं है कोई भी अबाया। तो ये बहुत ही अच्छा है, मीशो से मंगवा लीजिए आप लोग अगर किसी को चाहिए तो। लड़कियों के लिए भी अच्छा है और लेडीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, ये मुझे बहुत पसंद आया। ये देखिए पहनने के बाद इसका इस तरह का लुक आता है। इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो स्लीव्स पे ही है और काफ़ी अच्छा है लगता है, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है, आपको दिख ही रहा होगा कैमरे में। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इससे। तो आप लोगों को चाहिए तो आराम से बाय कर सकते हो, मैं लिंक सभी अबाया के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इंशाल्लाह। बस वो कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो उसके लिंक शेयर नहीं कर पाते जब तक कि वो फिर से स्टॉक में ना आ जाए। तो अभी जो भी अबाया स्टॉक में है सबके लिंक मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी, आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और मेरे चैनल पे भी मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है इसी नाम से, जो IEIH लाइफ स्टाइल मेरे चैनल का नाम है, इसी नाम से मेरे इंस्टाग्राम पे पेज भी। आपके कोई सवाल जवाब हो तो वहाँ पे भी आप लोग पूछ सकते हैं आराम से, वहाँ पे फॉलो भी कर लीजिएगा। और ये दूसरा अबाया है मैंने पिंक कलर का ये मंगवाया है, इसमें बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं, ब्लैक कलर भी है, ग्रे भी है, और इसका मटेरियल है कॉटन ब्लेंड, उस पर मीशो पर लिखा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कॉटन का मटेरियल है, मतलब थोड़ा वो जो जॉर्जेट टाइप का होता है थिक वाले में उस तरह का, हल्का बहुत ही हल्के कपड़े में है ये, इस तरह के प्लेट्स दिए हुए हैं आगे की तरफ, ये दो प्लेट्स हैं पतले वाले और ये इस तरफ दो हैं थोड़े चौड़े वाले प्लेट्स, और बीच में ये बटन की डिज़ाइनिंग है, स्लीव्स में यही प्लास्टिक का ये जो आजकल चल रहा है बहुत ही स्लीव्स वही है, बस सिंपल सा है ये भी, और काफ़ी हल्के कपड़े में मतलब गर्मी में पहन सकते हैं आराम से, खुला हुआ भी है, लूज़ है काफ़ी,
तो आराम से गर्मी में पहन सकते हैं इसको। कलर भी लाइट कलर है तो अच्छा है, मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। तो ये भी आप लोग मतलब डेली यूज़ के लिए आराम से ले सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ भी दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा किसी के साथ भी नहीं है, मतलब अभी जितने भी मैंने आया मंगवाए हैं किसी के साथ दुपट्टा नहीं है अंडर 500 वाले में। और ये बेल्ट है पीछे की तरफ बांधने का, वही साइज वगैरह कम ज़्यादा करने के लिए है। तो काफ़ी ये भी सही है, मतलब अकॉर्डिंग टू प्राइस इसका प्राइस भी बहुत कम है, 365 रुपये का, 365 का है। इतने कम प्राइस में तो अब आया मतलब मिलना नामुमकिन ही है किसी भी शॉप पे, लेकिन मीशो पे मिल जाता है। और ऐसा नहीं कि काफ़ी लो क्वालिटी का है, मतलब अच्छा है, इस पर काम चल जाएगा, पहन भी सकते हैं डेली वेयर में, जो रोज ही जैसे बाहर जाना होता है कहीं तो फिर आराम से पहन सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ले सकते हैं प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ये देखिए इसका लुक भी अच्छा है, इसका लेंथ उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब जो ज़्यादा लंबी होंगी उनके हिसाब से नहीं है। तो और जिसका मतलब साइज है, जैसे 5'2" है मेरा, मेरी हाइट, तो मेरे हिसाब से मुझे देख ही रहे हैं आप लोग मुझे सही आ रहा है, तो इस तरह से आप लोग ले सकते हैं। इसका ज़्यादा है जैसे 5'6", 7" है, 8" है, तो उनके लिए उनको शायद थोड़ा छोटा हो नीचे से, लेकिन कोई भी आया बाया आपको अगर छोटा होना तो मेरी तरफ से एक टिप्स है कि उसके नीचे ना आप कोई सा भी लेस जो भी आपको पसंद हो उसमें मैच करता हुआ या अलग सा लगा लेंगे तो लेंथ ये हो जाता है, सही हो जाता है, छोटा जो होता है वो मतलब तो मैनेज हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से टिप्स थी आप लोगों के लिए। तो अगर आपकी हाइट लंबी है थोड़ी तो भी लेके इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, और चौड़ा वाला ही लिस्ट लीजिएगा हाइट बढ़ाने के लिए, या फिर और एक इंजा का या नेट का कपड़ा भी हो अगर तो उसके साथ भी मतलब सेम कलर का कपड़ा उसके साथ अटैच करके हाइट बढ़ जाती है, लेंथ बढ़ जाती है कपड़ों की। और ये देखिए इसका मतलब ये खोल भी सकते हैं और बांध भी सकते हैं अपनी मर्जी पे है, जो तो खुला ही रखने में बेहतर है, मतलब पीछे से इस तरह से कम करना, मतलब लूज ही होना चाहिए वैसे अब आया तो यही है इसका ओवरऑल। इसका खुला हुआ है काफ़ी, तो थोड़ी हेल्दी जो है लेडीज़ या बच्चियाँ उनको भी आ जाएगा। और ये है एक अबाया ब्राउन कलर में, तो इसका भी मटेरियल जो है ये नीदा मटेरियल में है, और इसके गले में और बाजू में है थोड़ा सा डिजाइन। इसके साथ ये बेल्ट दे रखा है, इसके साथ भी दुपट्टा नहीं है, हिजाब कोई सा भी। इसमें भी दो कलर अवेलेबल हैं, ये है ब्राउन कलर मैंने मंगवाया है और एक ब्लैक कलर में भी है। तो इसके गले का जो डिज़ाइन है ये बहुत ही अच्छा है, ये गला काफ़ी अच्छा है, हाईनेक की तरह है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है इसमें। यहाँ पे बटन दे रखा है खोल के मतलब पहनने के लिए, और इसकी गले पे और बाजू पे ये मोती लगे हुए हैं, पर्ल जो होते हैं थोड़े बड़े साइज के वो हैं। तो अच्छा है काफ़ी, प्राइस है इसका 497, 497 का है ये, तो अकॉर्डिंग टू प्राइस बहुत ही अच्छा है। मतलब इसमें लेंथ घेरा जो होता है नीचे का वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी है, मतलब फ्रॉक स्टाइल में है और लूज़ भी है ये, और हाइट अभी मैं जब पहनूंगी तो आप लोग देख लीजिएगा कि मेरी हाइट है 5'2", तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। और लेंथ मैंने बढ़ाने का तरीका बता ही दिया है, तो आप लोग कोई सा भी लेके इस तरह से लेंथ बढ़ा सकते हैं, कोई सा भी नेट का कपड़ा या और गेंजा का कपड़ा या फिर कोई सा भी लेस लेके बढ़ा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, इसका घेरा नीचे से बहुत है, देखिए फ्रॉक स्टाइल में काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद आया है बहुत। तो इसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको चाहिए तो वहाँ से बाय कर सकते हो आराम से। और अभी मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो मेरी आवाज़ आपको अजीब लग रही होगी थोड़ी,
तो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा पाया है, आप लोग आराम से बाय कर सकते हो सिंपल में और कम प्राइस में, काफ़ी अच्छा है। इस ये देखिए पहनने के बाद इसका इस तरह का लुक आता है। ये देखिए स्लीव्स में ही और गले पे जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कप स्लीव्स में है। बस यहाँ पे यही ये जो मोती की तरह है वही लगा हुआ है गले पे भी और बाजू पे भी, और इसके साथ भी बेल्ट है। तो आप लोग को बेल्ट चाहिए तो बांध सकते हो या फिर बिना बेल्ट का भी पहन सकते हैं। और दुपट्टा मैंने हिजाब मैंने सब अपने हिसाब से ले लिया, आप लोग अपने हिसाब से ले लीजिएगा जो भी पसंद हो। मुझे यही इसके साथ ही अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने यही मस्टर्ड कलर का है ये हिजाब, तो ये मैंने ले लिया है। आप अपने पसंद से कोई सा भी हिजाब मैच करके या फिर कॉम्बिनेशन करके ले सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा लुक आएगा। लड़कियों के लिए भी सही है ये, स्कूल कॉलेज जाने वाली जो लड़कियां उसके लिए भी लेडीज़ भी आराम से पहन सकती हैं। ये भी फुली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप लोग आराम से बाय कर सकते हो। इसके गले का डिज़ाइन ये देख लीजिए, मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ पहनने के बाद इसका किस तरह का लुक आता है। ये देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका। ये गले में जो ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है, ऊपर में फ्रिल भी है और आगे ये बटन भी है और ये मोतियों की डिज़ाइनिंग बनी हुई है, काफ़ी अच्छा है। और ये ब्लैक कलर का है, ये अबाया फ्रंट ओपन है, ये आगे में जिप लगा हुआ है पूरा। और इसका प्राइस है 441 रुपये, मतलब 441 रुपये का है। और इसके साथ भी दुपट्टा नहीं है और इसका लेंथ बहुत ही अच्छा है, मतलब मुझे थोड़ा बड़ा ही हो रहा है। मैंने अभी आगे देखेंगे, मैं पहन के भी दिखाऊँगी तो जो ज़्यादा लंबी लड़कियाँ हैं उनके लिए भी सही है ये। आगे ये जिप लगा हुआ है, फ्रंट ओपन है, तो फिटिंग अगर कोई कराती है मदर तो उनके लिए भी सही है, काफ़ी अच्छा है ये। मतलब इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, ये जो लाइन लाइन दिख रहा है ना वो कोई प्रिंट या फिर ऐसी प्रिंटेड नहीं है या फिर ऐसी डिज़ाइन नहीं है, धागे का कढ़ाई जिस तरह से होता है ना वो है। आगे अभी मैं दिखाऊंगी आपको नज़दीक से, ये देखिए इस तरह का इसका मटेरियल बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट भी है और काफ़ी अच्छी लुक आता है इसका। डिज़ाइन मुझे बहुत पसंद आया इस मटेरियल का, मटेरियल के अंदर ज़रा बराबर भी कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा। और फिनिशिंग के साथ इसकी स्टिचिंग भी हुई हुई है और लेंथ भी इसका अच्छा है, तो लंबी लड़कियों के लिए भी सही है और फिटिंग कराने वाले मदर के लिए भी सही है। फ्रंट ओपन है तो, और इसके स्लीव्स में इस तरह से इलास्टिक लगे हुए थोड़े अलग स्टाइल में, ये देखिए इस तरह से। ये मुझे बहुत पसंद आया है बहुत ही ज़्यादा। और मुझे तो नहीं मिला है इसके साथ दुपट्टा, लेकिन मेरे घर में ही मंगवाया था मेरी भाभी ने, तो उनके साथ दुपट्टा भी आया है इसी प्राइस में, इससे भी कम प्राइस में, 441 से भी कम प्राइस में दुपट्टा भी आया था, लेकिन मैंने मंगवाया तो मेरे साथ दुपट्टा नहीं आया। तो आप लोग मंगवा के देख सकते हैं, शायद आपके साथ दुपट्टा भी आ जाए। और दुपट्टा भी आया तो ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा नहीं, अच्छा खासा दुपट्टा है जिसे आराम से ले सकते हैं, बांध सकते हैं जब उस तरह का दुपट्टा था, लेकिन मुझे तो नहीं दिया मीशो वालों ने। खैर कोई बात नहीं, मैंने ये वाइट कलर का ले लिया हिजाब इसके साथ, तो आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं। ब्लैक भी इसके साथ बहुत अच्छा लगता है और ये वाइट का भी अच्छा लुक आ रहा है, आप देख ही सकते हैं। ये देखिए इस तरह का है ये स्लीव्स, आगे फ्रिल है और पीछे इलास्टिक लगी हुई है इस तरह से, काफ़ी अच्छा है इसका मटेरियल तो बहुत ही अच्छा था। और ये है ग्रे कलर का है अबाया, इसके साथ ये डोरी है बांधने के लिए, साइज एडजस्ट करने के लिए। और उसका भी फिरदौस था मटेरियल, अभी जो ब्लैक वाला मैंने दिखाया और इसका भी फिरदौस ये मटेरियल, इसमें भी ये सिंपल सी इलास्टिक वाली स्लीव्स हैं
और इसमें बहुत सारे कलर्स हैं अवेलेबल, ग्रे है, ब्लैक है और पिंक भी है इसमें। और ये भी वही वाला है जो अभी मैंने अवाया दिखाया ना, इसका मटेरियल भी वही है, सेम है दोनों। मुझे लगा दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन मंगवाने के बाद पता चला कि दोनों का सेम ही मटेरियल है, बस डिज़ाइन अलग है। और इसका प्राइस है 490 रुपये का है, ये 490 रुपये का है। इसके साथ भी हिजाब नहीं है, दुपट्टा नहीं है। ये मतलब पतली दुबली जो लड़कियां हैं ना, उसके लिए ये बहुत अच्छा है, उसके ऊपर बहुत अच्छा लुक आएगा। ये देखिए दोनों का सेम ही मटेरियल है, लेकिन अच्छा मटेरियल है, ये बिल्कुल भी लो क्वालिटी का नहीं है, काफ़ी अच्छा है, प्राइस के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है। मुझे इसका मटेरियल बहुत पसंद आया है, ये जो लाइनिंग वाली है बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। और ये इसमें नीचे से जो घेरा होता है ना, वो थोड़ा कम है, मतलब पतली दुबली जो लड़कियाँ हैं उसके लिए बेस्ट है ये, तो थोड़ी हेल्दी के लिए नहीं है, उन्हें शायद टाइट हो जाए और नीचे से इसका घेरा भी कम है तो शायद अनकंफर्टेबल हो। तो जिनका जो हेल्दी है, थोड़ी मोटी है, वो ना ही नहीं ये वाला अबाया, ये पतली दुबली लड़कियों के लिए या पतली दुबली लेडीज के लिए सही है। काफ़ी अच्छा है, ये भी बहुत ही पसंद आया मुझे। और ये देखिए मैं पहन के दिखा देती हूँ आप लोग को, ये रहा इसका बाजू है, इसके साथ मैंने यही स्काई ब्लू कलर का हिजाब ले लिया, आप लोग कोई सा भी ले सकते हो, इसके साथ वाइट भी बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो सेम कलर ग्रे कलर का भी सेम ले सकते हैं, और पिंक कलर भी इसमें अवेलेबल है इस वाले डिज़ाइन में। तो अब आप लोग को जो भी कलर पसंद हो वो चेक करके ले लीजिएगा, ब्लैक भी है शायद, ब्लैक भी है। तो ये देखिए इसको पहनने के बाद किस तरह का लुक आता है, लड़कियों के लिए ये बहुत ही अच्छा है, मतलब गर्मियों में हल्का फुल्का डाल के बाहर जाने के लिए सही है, कोई मतलब कढ़ाई या कुछ चुभने उभने वाली कुछ चीज़ नहीं है। तो गर्मियों के लिए ये सारे अबाया जो मैंने दिखाए हैं सब बेस्ट है गर्मियों के लिए। एक है वो जो ब्राउन वाला जो है मोती वाला, तो वो शायद गले में थोड़ा गर्मियों में थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगे, लेकिन बाकी सारे आप गर्मियों में आराम से पहन सकते हो, सब गर्मी के मतलब के ही हैं। ये देखिए इसका लुक काफ़ी अच्छा है, इसका लुक भी मुझे अच्छा लग रहा है। तो यहीं तक थी आज की मेरी पूरी अबाया हॉल के ऊपर वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।